વજનનો ખબર હતી. હે ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ, નમસ્તે, કેમ છો, વેલકમ બેક ટુ માય ન્યુ બ્લોગ. ગાઈસ, બ્લોગ કે સ્ટાર્ટિંગ હોય કેટલા બજે ગાઈસ? बजे गाइस 5:35 को, 5:30 बजे गाइस स्टार्टिंग हो रही है फाइनली. एंड हम लोग जा रहे हैं हमेशा की तरह मारियो टेम्पल अहमदाबाद में, तो चलते हैं. जय लेकर जा रहा है, कल गए थे वहीं चलेंगे, बिकॉज वो काफ़ी मस्त मंदिर है गाइस, सुकून मिलता है वहाँ, मुझे मज़ा आ गया कल. तो चलते गाइस आज भी वहीं पर ही, नीलकंठ महादेव टेम्पल. इसको मैं सोच रहा था एक बार ऊपर जाके सनराइज व्यू ले लूँ. गाइस फाइनली पहुंच गया है नीलकंठ महादेव टेम्पल. फाइनली मस्त पूजा हो गई थी महादेव टेम्पल, महादेव की. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली कर फिर से जा रहा है गाइज पोपट करवाने, मतलब गेड़ी मारने जा रहा है, गेड़ी मारने जा रहा है. कल जैसा सीन नहीं होगा ना भाई? नहीं. लेट्स गो, चलते हैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. ये गार्डन पर लेके आया भाई, ये गार्डन घुमा रहा है, कल से गार्डन ही घुमा रहा है. और कुछ नहीं है क्या देखने को अहमदाबाद में? भाई बंद होता है इस टाइम पे, रात को भाई. तो गाइस आ गए थे भाई, मुझे तो भाई क्या करेंगे गार्डन में भाई, ये चेक करो योगा वगैरह चल रहा है गाइस. तुझे योगा करना है तो तू भी करने लग जा. योगा करने लाया मुझे पता नहीं भाई, ये गार्डन तो छोटा सा गार्डन है, अंदर जाने का. वहाँ क्या है? वॉकिंग करा रहा है गाइस, घूमने के बहाने हमें भी वॉकिंग करनी पड़ रही है सभी लोगों के साथ. ये चेक करो, आ गए गार्डन से बाहर भाई, पता नहीं कैसी कैसी जगह पर ले आते हैं गार्डन में. सो आ गए थे घर एंड चाय नाश्ता मस्त रेडी हो गया था, कर ले रहे मस्त चाय नाश्ता. सो गाइस फाइनली मस्त चाय नाश्ता हो गया था हमारा. फाइनली हम लोग जा रहे हैं हमारी न्यू बाइक यामाहा के शोरूम, तो चल रहे हैं फाइनली मामा के साथ. मामा जॉब जाते हैं इसी वक्त, तो मामा के साथ ही चले जाते हैं, फिर रिटर्न में हम लोग आ जाएंगे कैसे करके बस वगैरह में. तो चलते फिलहाल. हाँ भाई आ जा रहे हैं हम. पार्किंग में तो पूरा अंधेरा छा रखा है भाई. फाइनली पहुंच गए हम यामाहा के शोरूम एंड ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट से. फाइनली पार्किंग कर दी हमारी बाइक S2. तो गाइस चलते हैं, इतनी खुशी हो रही है ना, पहली बारी कोई बाइक देखने जा रहे हैं हमारे लिए भाई, इतनी खुशी. ये चेक कर गए R15M, ये न्यू मॉडल नहीं है पूरा, ये ब्लैक आता है, ये पूरा ब्लैक कर दिया है और मस्त कर दिया है. चालू करते वक्त
जाते रहे सोचो रहे यार पहला चालू था पीछे जाते रहे खुल आ गया रोज कलर से समझ के वो करना ने काले निकली थी काले बच्चे से मुझे वो करना था मैं एक पीस गाइस जो फाइनली हमने बाइक चेक कर लिया क्या मस्त था है ना भाई पहली बार एंड गाइस नया मॉडल आया वो हम देखने जा रहे हैं हां नया अपग्रेड आया वर्जन तो वो देखते हैं गाइस हां चेक कर गाइस पूरा आगे का जो है ना वो पूरा ब्लैक दिया हुआ है यहाँ पर वो सिल्वर था यहाँ पर नया जो अपग्रेड आया उसमें गाइस पूरा ब्लैक दिया हुआ है काफ़ी मस्त लग रहा है ना सिल्वर से काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई फाइनली हमने देख ली कि हमारी बाइक पहली बार गाइस थोड़ा डर लग रहा था पहली बार बिकॉज गाइस देखने गए थे और लेने पर तो इतनी खुशी होगी बट पता नहीं कब लेंगे जल्दी लेने वाला है हम तो अभी इंक्वायरी गाइज इंक्वायरी करने आए थे बिकॉज आपको पता ही गाइज मिडिल क्लास फैमिली वालों को सब कुछ देख कर चलना पड़ता है पहली बार हम तो ले रहे वैसे गाइज महंगी वाली बाइक R15M खतरनाक क्रेजी गाइज मज़ा आ गया डील आ गया भाई पागल हो गया मैं ऐसी पागलपंती हो रही है तो ZX10R पे कितनी होगी भाई सोच अरे भाई वो भी आएगी गाइज जल्दी पहले ये तो ले लेते हैं इसे तो आने देते हैं फाइनली बाय बाय अरुण भाई जल्दी मिलते हैं बाय बाय क्रेजी क्रेजी मशीन आती है गाइस यामाहा वालों की लुक्स के मामले में गाइस कोई कंपैरिजन नहीं ट्रायंगल लगती है गाइस एक नंबर लुक्स के मामले में इतनी चीज़ें में मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का भी बहुत ही मस्त लगती है गाइस सुंदर एकदम है ना अरे पागल हो गया मैं तो डिस्कवरी करी बाय सो गाइज फाइनली आ गए थे घर हमारी बाइक देखकर इतनी गर्मी भयंकर गाइज अहमदाबाद में इतनी गर्मी एक तो बस से आए भाई बंद करा है लड़का खिड़की एसी फुल कर दिया है इतनी गर्मी भाई बहुत गर्मी भाई मैं तो पक गया हूँ भयंकर सिर चकरा गया मेरा तो यार सोच नहीं था अहमदाबाद आकर इतनी गर्मी सहनी पड़ेगी अनएक्सपेक्टेड भाई ठंडा पानी भी था गाइस फिलहाल हो गई है शाम हम लोग सो गए थे यार आके सीधा गाइस इतनी गर्मी थी एसी मस्त स्टार्ट किया और सो गए थे और अभी उठे जस्ट 7 बजे गाइस 7 बजे अभी हम कितने चार बजे हम आए थे 4 बजे या जल्दी आए थे यार 3 बजे होंगे शायद हाँ तो आकर और मस्त गाइज सो गए पानी पीकर सो गए और अभी मैं तो उठाऊँ 7 बजे और वो लड़का तो गाइज अभी सो ही रहा है कितनी नींद आती है यार ये चेक करें भाई माउंटेन ड्यू पी के सो गया लड़का गाइज तो गाइज बस स्टॉप से इतनी धूप में यहाँ से मतलब 1 किलोमीटर जितना दूर है 1.5 किलोमीटर जितना होता होगा चल के आए भाई भयंकर धूप थी सिर पड़ गया मेरा तो आते आते और गाइस आकर फिर ये लड़का गया माउंटेन ड्यू लेने वो भी 1 किलोमीटर दूर है दुकान तो हाँ भाई स्पेशली माउंटेन ड्यू लेने गया था भाई ठंडा और फिर पी के सो गया कब आया मैं तो पता ही नहीं मुझे तो मैं तो सो गया था इससे पहले ही वो आया तब तक तो भाई इतना थक गया था भाई तो फाइनली शाम का खाना मस्त रेडी हो गया मामा लाए भाजी मस्त एंड पाव भाजी नहीं मैं तो भाखरी के साथ ही खाता हूँ आपको बताइएगा इस भाखरी और खिचड़ी चाहिए ही चाहिए शाम को तो हाँ एंड साथ में छाछ है तो खा लेते मस्त खाना फाइनली गाइस खाना पीना हमारा हो गया था एंड अभी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं वैसे गाइस आज हम लोग गए थे R15 बाइक देखने फाइनली हम लोग देख कर आ गए थे हमारी बाइक प्राइस वगैरह सब मतलब पूछताछ करके आ गए थे कि क्या है क्या नहीं कितने में पड़ती है जो मतलब होता है वो प्रोसेस हम सारा जानकर आगे थे अब गाइज हम फिलहाल थोड़े दिनों में लेने वाले हैं हाँ प्लान तो है तो फाइनली आने वाली है शायद अच्छा है आ जाएगी ना पक्का ना आ जाएगी कैंसिल नहीं होगा ना प्लान उस बार की तरह नहीं होगा गाइज गॉड इज़ ग्रेट फाइनली गाइज हमारे पास भी होगी थोड़े ही दिनों में हमारी R15M
फिर हम स्टार्ट कर पाएंगे हमारा एक न्यू करियर गाइज, न्यू करियर जर्नी बोल सकते हैं मोटो ब्लॉगिंग की। कब से गाइज मेरे दिल में था कि मोटो ब्लॉगिंग चैनल में स्टार्ट करना चाहता हूँ। पर गाइज बाइक की थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न थी एंड बजट इधर उधर थोड़ा हो रहा था, तो इसलिए कुछ हो नहीं पाया बीच में। तो काफ़ी टाइम बाद अब डिसाइड हुआ है, मना लिया है सबको, घर वालों को भी, तो वो सब है सीन सुन। फिलहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। थोड़े दिनों में गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज एक न्यू सरप्राइज के साथ। एक और न्यू सरप्राइज है जो वेट कर रहा है। तो ओके सो मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय बाय।